अच्छा लग रहा है आगे। अभी दो दिन हुए गोवा आए हुए, बट यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना पीना सारा बहुत मुझे अच्छा लगा। जैसे कि मैंने अभी ज़्यादातर घूमा नहीं गोवा, अभी दो ही दिन घूमे हैं, बट तब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गोवा। और यहाँ का फोर्ट, चर्चेस, और सबसे अच्छी बात मुझे इन लोग, मतलब यहाँ के लोकल लोगों से लगा, उनका बात इतनी स्वीट है, उनकी लैंग्वेज, ए मैन आप कहाँ जा रहे हो, मैन ये कर देना, इस तरह का मतलब बहुत ही स्वीट सा एक टोन है उनका, वो मुझे बहुत पसंद है। आज चर्च भी गए थे, चर्च में बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वहाँ के आज का यहाँ में वेदर दो दिन से बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल के हम लोग गोवा आए हुए हैं और बाकी के स्टूडेंट भी हैं, उन लोगों के साथ हम भी दुबई से आया हूँ। और रजत सर ने जो टूर का गोवा का बनाया हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में ही है, रजत सर भी साथ है और हम लोग बहुत फन कर रहे हैं, बहुत घूमते हैं। आप नेचुरल होते हैं क्योंकि नेचर से ही नेचुरल बना हुआ है। आप नेचर के साथ जितना टाइम बिताएंगे उतना ही आप नेचुरल होंगे। और एक्टिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको नेचुरल होना पड़ता है। यहाँ के बीचेस जो है, पहाड़, नदी, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आप कोई फॉरेन के लैंड में चले आए हैं। तो गोवा मेरा बहुत दिनों से ऐसा इच्छा था कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स आते रहेंगे ऑफलाइन कोर्सेज के लिए, उनको जो मैं टूर देता हूँ उनमें से गोवा मेरा बहुत अच्छा डेस्टिनेशन चॉइस है ट्रैवल के लिए।